अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम किसी भी पीडीएफ की फ़ाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं बगैर सॉफ्टवेयर के। यानी कि आपको वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिंपली क्या करना होता है कि हम एम एस वर्ड ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ब्लैंक पेज आएगा, तो आपने सिंपली ब्लैंक पेज को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे फाइल मेन्यू में। फाइल में आने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप माय कंप्यूटर में या आपके पास जहाँ भी आपने फ़ाइल को सेव किया है, ठीक है, वहाँ जाकर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। किस तरह सेलेक्ट करेंगे, आप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने सिंपली इसको पढ़ के कि पीडीएफ की फ़ाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो आपने सिंपली इसको ओके कर देना है और थोड़ा सा इंतज़ार फरमाना है। ये देखें, पीडीएफ की फ़ाइल यहाँ क्या हो गई, कन्वर्ट हुई। फिर आपको क्या कर देना है, एडिटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगेन आपके पास ये मैसेज आएगा, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद ये आपके पास विंडो ओपन हो गई। देखें, और ये देखें दोनों बिल्कुल एज इट इज़ देख रहे हैं विंडो। ये पीडीएफ की फ़ाइल है और ये वर्ड की फ़ाइल है। आप दोनों में देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं है। आप पीडीएफ में एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वर्ड में आप इस चीज़ को जो भी आपको चाहिए कहाँ पे भी आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।